इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। हरियाणा सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए की दर में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। तो देखिए, डियरनेस अलाउंस में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। भारत सरकार की तर्ज पर डीए को 17 से बढ़ाकर 28% करने की घोषणा की गई है। तो देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भारत सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही जो डियरनेस अलाउंस है, महंगाई भत्ता, उसे बढ़ा दिया था। उसी की तर्ज पर भारत सरकार के जो फैसला है, उसी की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी अब जो है अपने कर्मचारियों के लिए डीए को बढ़ा दिया है, 28% कर दिया है। 1 जुलाई 2021 से लागू होगी बढ़ी हुई दर। तो देखिए, इसी महीने से 1 तारीख से ये लागू हो जाएगा। 2.85 लाख कर्मचारियों व 2.62 लाख पेंशनर्स को होगा लाभ। तो आप देख सकते हैं कितने सारे कर्मचारी और पेंशनर्स को लाभ होगा हरियाणा सरकार के इस फैसले से। तो आप देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है, हरियाणा में कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ा। तो जो नई बात है, मैं आपको वो बता देता हूँ। इस फैसले से जो हरियाणा सरकार ने लिया है, इससे राज्य सरकार के खजाने पर प्रति माह लगभग 210 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा प्रति मंथ। तो हर महीने जो है 210 करोड़ रुपये का जो है अतिरिक्त भार पड़ेगा हरियाणा सरकार के खजाने पर। तो जहां एक और जो हरियाणा के कर्मचारी हैं उन्हें फायदा होगा, वहीं हरियाणा सरकार के जो कोष है उस पर भी अतिरिक्त प्रभार पड़ेगा। तो आप सबकी क्या राय है हरियाणा सरकार के इस फैसले पर? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।